मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आज हमारे साथ ट्रेन विद मी सेशन में एक 20 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि यूपी से यहाँ आए हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है अपनी फैमिली को यहाँ लाने में और पूरा अपने आप पर बिलीव रखा है कि अपनी मेहनत और डेडिकेशन से वो अपना स्टैंड ऑफ लिविंग, अपनी फैमिली का स्टैंड ऑफ लिविंग रेज कर सकते हैं। शी इज़ अ वुमेन जो कभी गिव अप करना नहीं सीखे एंड पूरे पूरे अरमानों के साथ अपनी करियर की शुरुआत कर चुके हैं। तो हम मिलते हैं साधिका अंसारी से। हाय साधिका। हेलो मैम, कैसे हो आप? ऑल गुड, आप कैसे हो? आई एम गुड, गुड। सो आपकी जो जर्नी है, ये जर्नी में आपके अंदर जो ये जुनून आया, ये जो डेडिकेशन आई कि मैंने तो कुछ करना ही है, ये कैसे आई? सो मैंने 4 महीने पहले यहाँ पे आने का सोचा फैमिली के साथ में। ऐसा कुछ नहीं था फैमिली का, वो लोग मतलब लाइक एक नर्वसनेस होती है ना कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो मैंने अपनी मम्मी को मोटिवेट किया कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट, प्लीज़ एक बार स्टेप तो निकालिए। तो मेरे कहने पर मेरी मम्मी ने मेरे साथ स्टेप निकाला और वो बाहर आए। तो उसके बाद में मैंने सोचा मुझे कुछ करना है लाइफ में, मेरा एक ही गोल है सिर्फ सक्सेस, मुझे चाहे उसके लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं आगे जाऊँगी, मुझे करना है। यस, चैलेंजेस फेस करने हैं लाइफ में, स्ट्रगल करना है, हार्ड वर्क करना है। एंड मैंने अपनी फिटनेस जर्नी 2 महीने पहले स्टार्ट की है। सो फिटनेस को लेके मेरा गोल है वेट गेनिंग, अच्छी बॉडी। यस, और मैम हमारी हेल्प करेंगे। सो या, तो इसे कहते हैं जुनून, जज्बा, और एक इतनी 20 ईयर ओल्ड की उम्र में भी अपनी फैमिली के लिए होल्ड लेना, उनको कन्विंस करना फॉर सच अ थिंग इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर अस। तो आज का यूथ ऐसा भी है, अगर हम सोचते हैं कि वो बस टाइम वेस्ट करते हैं या फिर उनको और कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल गलत है। शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि इतना ज़्यादा फोकस्ड रहना और अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए हर एक चैलेंज और हार्डवर्क को एक्सेप्ट करने के लिए ऑलरेडी शी इज़ रेडी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और भी मुझे मजा आने वाला है आज आपको yes, ट्रेन yes, करके। बिल्कुल, वी एंजॉय करेंगे। तो आज आप क्या चाहते हो, क्या ट्रेन करें? आज मैम बैक बैक। यस, परफेक्ट। सो आज हम बैक ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले साधिका आप वार्म अप कर लो। ओके, ऑन ट्रेडमिल वॉक। ठीक है, ठीक है, फॉर 3 to 5 minutes। ओके, चलो लेट्स गो। मॉर्निंग आपने कुछ खाया? यस, एग्स। एग्स मॉर्निंग में एग्स लेती हूँ, 4 eggs। हाँ, थोड़ा डाइट में चिकन चल जाता है एंड डाइट ले लेती हूँ अपनी। और आप आती कुकिंग वगैरह खुद करते हो अपनी डाइट या फिर मदर हेल्प कर देते हैं? वैसे तो मम्मी बनाते हैं। ग्रेट ग्रेट। विदाउट शूज कर सकते मैम? हाँ हाँ, 4.5 पे स्पीड है। ओके, और थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेते हैं। कैसे बीतता है अभी मेरा फुल डे? कैसे होता है, मॉर्निंग में उठती हूँ मैं सुबह 7 बजे, उसके बाद में ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, भाई स्कूल जाता है उसके लिए, तो उसके बाद में सारा काम करके घर का, उसके बाद में रेडी होती हूँ आने के लिए यहाँ पर, घर का काम करके मम्मी की हेल्प करके, देन उसके बाद में वर्कआउट स्टार्ट होता है, उसके बाद में ड्यूटी स्टार्ट होती है, ड्यूटी के बाद में ऑफ हो जाता है, फिर मैं घर चले जाती हूँ रात में, फिर यही शेड्यूल हो जाता है। मैम आपका शेड्यूल क्या है डे का? मेरा शेड्यूल कुछ मॉर्निंग ऐसा रहता है, मॉर्निंग आई वेक अप एट 4:30, सो मेडिटेशन, फिर उसके बाद कुछ क्लाइंट्स के साथ सेशंस होते हैं ऑनलाइन। यस, ओके, देन आई डू माय बुक रीडिंग, उसके बाद आई कुक डाइट, मेरी एक तरह की मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ, डिनर हाफ प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, एंड देन आई गेट रेडी फॉर द डे स्केड्यूल, और फिर उसमें बस जैसे प्लान होता है मेरा स्केड्यूल, थोड़ा सा जो वर्क स्केड्यूल है वो एवरीडे सेम नहीं होता, अलग अलग होता है ना, डिफरेंट डिफरेंस होना भी चाहिए थोड़ा सा। जी, शाम का मेरा वर्कआउट का स्केड्यूल होता है। हाँ जी, दिस इज हाउ माय डे। वाओ, नाइस डे, वेरी नाइस। आपका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच साधिका। बहुत नहीं, मतलब मैं नहीं इतना बोल सकती, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है जिस तरीके से आप हो ना, लाइक आप जैसे कि लेके चलते हो, लाइक आपकी थिंकिंग, आपका नेचर बहुत अच्छा है। ये थिंकिंग और नो एटीट्यूड, नो इगोस्टिक, मतलब ये चीज़ आपके अंदर है ही नहीं, मुझे लगता है बचपन से ही नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, थी ईगो थी, बहुत वीकनेसेस थी, जो मैंने गलतियां भी की हैं अपनी अर्ली लाइफ, बट ये सब चेंजेस आए मेरी लाइफ में जब स्पिरिचुअलिटी है. सो जैसे जैसे वो नॉलेज आती जाती है वैसे वैसे बंदा चेंज इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट राइट. तो उसका क्रेडिट सारा उसी को जाता है. तो हम अब कंप्लीट करते हैं इसको. ओके डन. यस चलो लेट्स गो. यस अभी कुछ स्ट्रेचेस करते हैं. ओके आपके एटीट्यूड में मुझे एक बात अच्छी लगी जो बहुत. हाँ जी वो ये है कि आपको पता है कि कुछ गलत स्टेप नहीं लेना मुझे. बिल्कुल राइट. एंड सही स्टेप करते हुए ही अपनी मेहनत के ही इस दम पे मुझे कुछ करना है. yes. अदरवाइज यूथ बहुत जल्दी भटक जाता है. बिल्कुल. सो जस्ट स्टे डिटरमाइंड. आपके वैल्यूज ही बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर करेंगे लॉन्ग रन. सबसे पहले स्ट्रेट लेग्स एंड टच द फ्लोर. ओके नाउ सिट डाउन, बैठ जाओ एंड जॉइन योर फीट. नाउ टच दिस, गो डाउन. नाउ फोल्ड वन लेग एंड स्प्रेड द अदर. इसको स्प्रेड करो डन. और इसको बाहर करो. यस नाउ टच फ्रॉम दिस हैंड. यस Go down. Now this, join your feet. Push your knees down and then move forward. Move your shoulder, hands. It's one, two, three. Perfect. Now hold your hand and stretch. ओके डन लेट्स गो. चलो अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेक्शन में चलते हैं. ओके डन. सो आप पहले डेडलिफ्ट लगाइए. आपने पहले कभी ऐसे ट्राई नहीं किया बट मैं चाहती हूँ करूँ ट्राई. ठीक है तो आज ट्राई कर लेते हैं. ओके टेन का डाल. वेट हाँ टेन का डालते हैं. आपकी स्ट्रेंथ मुझे चेक करनी पड़ेगी. ठीक है मैम. ये आपके फीट जो है शोल्डर विथ अपार्ट और फिर आपने अपना स्टांस लेना है. नाउ लुक एट माय फॉर्म. दिस एंड दिस बैक स्ट्रेट और ये ऐसे. ठीक है एंड मैंने अपने हिप्स पे भी जोर डालना है इसको पिक करने के लिए. बैक नहीं. ठीक है बैक पे जाएगा पर उस पर यूज करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी फॉर्मेशन खराब ना हो. वेट हो सकता है ज्यादा हो पहले टेस्ट कर लेते हैं हम लोग. ठीक है ये मिडिल में आना चाहिए आपका थोड़ा सा इधर इसको पीक को. वेट वेट डोंट पिक अभी. ये सीधा करो बैक और यहाँ से पकड़ोगे पिक. हैवी है छोड़ दो छोड़ दो. वेरी हैवी. ठीक है अगर हैवी लग रहा है तो पिक ही मत करो उस चीज़. ठीक है स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो. ओके सो अभी हम क्या करेंगे हम हाफ डेडलिफ्ट करेंगे. ठीक है देयर ऑन द बेंच. ओके डेडलिफ्ट में अगर आपको अपनी रेगुलरिटी बनानी है और स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज ओके यहाँ पर हाफ कर सकते हो आप. फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या है ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा. हाँ बट आप अपनी फॉर्मेशन ठीक करना शुरू कर सकते हो. ये आपने उठाया एंड यू रख उठाया राइट रख. फिर धीरे धीरे इसको एक लेवल और नीचे लेके गए फिर और नीचे लेके गए फिर उधर शिफ्ट किया जो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी. अभी पहले इसका वेट निकाल लेते हैं. जस्ट फुट 2.5 ओके मैम. और इसको भी एक लेवल नीचे कर लेते हैं. वर्कआउट में कभी भी जोश में होश नहीं खोना. राइट वैसे वो मैंने ट्राई नहीं किया है कभी मैम. ये वाला किया है. ये किया आपने ट्राई. ग्रेट वन इसको थोड़ा और नीचे जाओ सो डेट आप इसको यूज करो ऊपर आने. टू
ओके गुड ओके, थोड़ा सा पानी पी लो। ओ माय गॉड, मेरा शेकर तो में लेके आते। हाँ लिया। तो मेरा सबसे पहला मैसेज डेडलिफ्ट के लिए, डेडलिफ्ट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज है, बट अनलेस हम इसको प्रॉपर अपनी फॉर्म समझ के और कनेक्शन के साथ नहीं कर पा रहे हैं, हमें इस चीज में इमोशनल नहीं हो रहा है कि मुझे तो ये करना ही है, अगर नहीं भी हो रहा है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि नीचे सपोर्ट हो, उसको फॉर्म को समझेंगे, अपने माइंड में एक पैटर्न बनाएंगे कि ये इस तरीके से होती है प्रैक्टिस के साथ, और फिर धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज करके हम प्रॉपर डेडलिफ्ट में जाएंगे। और आई वुड प्रेफर अगर आप प्रॉपर डेडलिफ्ट में जा रहे हो जो कि फ्लोर के साथ होती है, तो उसमें ओलंपियन प्लेट्स ही प्रेफर करो, सो दैट आपकी जो फॉर्म है, ओलंपियन प्लेट से मेरा मतलब जो आपने वहां पर देखी होगी, ये 10 kg है स्टिल, इसका जो साइज है सारी प्लेट्स में ये सेम रहता है, तो आपको इस चीज में पहचान हो जाएगी। अगर इन प्लेट्स के साथ आप कर रहे हो, दैट इज वे बेटर कि आप नॉर्मल प्लेट्स, बहुत बड़ी एक्चुअली अगर आपने अभी सीखा ही है, अभी आप बिगिनर ही हो, अदरवाइज दैट इज रेदर प्रेफरेबल कि आप यहाँ पर करो। इन केस आपके पास ऐसा रैक नहीं है जिम में, तो आप बेंच की हेल्प ले सकते हो, जिस तरीके से अभी रॉड हमने यहाँ पर रखी है, हम इसे रख देंगे बेंच पर और अकॉर्डिंगली हम इसको अपनी फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेट। और ज़्यादा आप डेडलिफ्ट की उसमें जाना चाहते हो, तो इस तरीके से और अपनी लेग्स को बेंड करके यू कैन गो अहेड विद दिस। सो हाउ वाज द वेट, ये वाला इंक्रीज कर सकते हैं? यस यस बिल्कुल मैम, बहुत परफेक्ट। लेट्स इंक्रीज टू 5। जस्ट ट्राई, थोड़ा और नीचे बैठो, बैक सी। Now look at me. Come. No. Short. छोड़ो. Look at me. इधर आओ. इधर साइड से देखो. Okay. जब मैं कहती हूँ नीचे, तो आप क्या कर रहे हो? You're doing this. ठीक है? But actual में I mean this. Okay. ऐसे. Back straight and this. And then back. Not ये, ठीक है, ठीक है। और आपकी आर्म्स तो वैसे भी आपने कभी बेंड नहीं करनी। ओके, जस्ट ट्राई। यस राइट, यस यस गुड। अप, वन मोर। ओके परफेक्ट, ये अच्छा था। क्या फ़र्क फील हुआ इसमें आपको? इसमें ना वेट का मालूम नहीं हुआ इतना, पहले वाले में भी नहीं हुआ था, बट इसमें ऐसा नहीं लगा कि वेट मतलब बढ़ा है, इंक्रीज हुआ। एग्जैक्ट, अच्छा था। तो इसमें क्योंकि हम अपने लेग मसल्स को भी इक्वली इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए वो डिवाइड हो गया और आपको ज़्यादा बेटर लगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं वेट और भी इंक्रीज कर। यस यस बिल्कुल, आप करवा रहे हो तो और ज़्यादा लग रहा है, अच्छी फील आ रही है। तो फिर हम 2.5 और डालें। ओके मैम, थोड़ी सी रेस्ट करो एंड देन विल स्टार्ट। तो अभी जो है हमने स्टार्ट किया था 2.5 से, अब हम 7.5 ईच पहुंच चुके हैं। शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट, शी इज़ अ गुड लर्नर। तो अभी हम लेट्स डू द थर्ड सेट सारिका, कम। ओके आई एम रेडी। One last. Okay, done. Yeah. So next we'll do lat pull down there on that machine. Okay. Three. Controlled. Bilkul controlled. 4, 5, 10. Come on, 2 more. वेरी गुड, 1 more. ओके डन। यूजली आप कितना वेट कर रहे हो अदरवाइज? इतना ही करती हूँ मैम, 55 लास्ट।
जब भी आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करते हो, जस्ट मेक श्योर कि आपके वेट्स का आपको ट्रैक हो एंड जस्ट ट्राई विद एवरी अदर वीक ना आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। हाँ जी, अगर आपका गेनिंग का गोल है वेरी प्रीटी मच रिक्वायर्ड कि आप अपने आप लिमिट्स को पुश करते हैं। यस यस। दूसरा एक और आपको मैं चीज़ बताती हूँ, अगर आपको वेट हैवी लग रहा है तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम सेट रेप्स निकाल लिए उसके साथ एंड फिर आपने ड्रॉप कर लिया उसको। फॉर एग्जांपल अभी हम वो सेट लगाएंगे जब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो गेट रेडी। या अब आपके जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन, एक चीज़ इम्प्रूव करो जब आप इसको डाउन लेके आते हो। हाँ जी, एक बार आओ मैं आपको बता। ओके, एक है ये। हाँ जी, ठीक है, ओके। और एक होता है तो हमने ये अवॉइड करना है। ओके। और मैक्सिमम कंट्रोल करना है कि इसको हम कंट्रोल रखें रेंज ऑफ मोशन को, ताकि हमारा जो माइंड है मसल के साथ कनेक्टेड रहे और हम एक एक रेप क्वालिटी रेप निकालें। कमान 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 पुश 8। ओके, नाउ ड्रॉप, छोड़ दो। अब हम ड्रॉप करेंगे वेट। ओके, ठीक है, कंप्लीट करो, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट, हाँ, आ जाओ। 9, 10, 11, ओके डन। वेट और इंक्रीज करके इसमें आपका फोकस है कि एटलीस्ट 5 रिप्स अच्छे बट क्वालिटी के साथ, क्वालिटी राइट होनी चाहिए फॉर्म। अगर 6 कर दोगे तो बोनस। ओ माय गॉड, आई विल ट्राई। चलो कम ऑन, 1, 2। अब ड्रॉप, चलो 13, गुड, 14, कम ऑन, 15, वेरी नाइस, 1 मोर, ओके डन। ये स्टेप बाय स्टेप अच्छा हो रहा है। नहीं लग नहीं रहा, मतलब इतना वेट लगा रही हूँ, मिनिमम करती हूँ ना। हाँ, इसलिए बट लग नहीं रहा। अच्छा बढ़ रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है मेरा वेट। थैंक यू सो मच। बस आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने नेक्स्ट सेशन में जब भी अपना ट्रेन करोगे तो इंप्लीमेंट करोगे, बिल्कुल फील रियली नाइस, मतलब प्रोग्रेस आपको फील होनी चाहिए। बट प्रोग्रेस का की यही है, मेंटली वर्कआउट से पहले आपने अपने आप को रिवाइज करना होता है कि आज मैं यही एक्सरसाइज लगाऊंगी, इसका मेरा टारगेट है इतना इम्प्रूव करके लेके जाना। उसके बाद स्टेप इन टू दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोन, फिर आप देखना आपको कितना नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट मिलती है। यस, यू आर राइट। और मैं चाहती हूँ कि मैं नोट करके ये सब करूँ लास्ट सेशन से ना। राइट, होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, डंबल्स के साथ करेंगे, सिंगल आर्म डंबल पुल। ओके, आपकी हाइट के साथ देखती हूँ मैं, थोड़ा सा इसको एक से पीछे कर दो। वेट, ठीक है, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ओके, ये आपने फॉर्मेशन ली, इसको हिप्स को जितना पीछे तक हिंच कर सको, ठीक है, एंड ये आपके डंबल रेंज, पुल अप, फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, कोर टाइट, लिव, हाँ। ये कॉमन मिस्टेक है जो विमेन ज्यादातर करती है, ये आप यहाँ पर नहीं करोगे। ओके, ओके, यस, वेरी गुड। 3, 4, 5, स्लोली डाउन, झटका नहीं कभी भी। 9, यस,
एल्बो क्लोज, फाइव, थोड़ा क्लोज करो, यस अंदर, गुड, अंदर ही रखो, फोर्टीन, यस गुड, वन मोर, परफेक्ट, गुड जॉब, वन कंप्लीट, वन सेट कंप्लीट. हाउ वाज द वेट? 7.5 कर ले. ओके गुड, ओके अच्छा लगा ये वाला. तो एक पोजीशन के साथ, फॉर्म के साथ अगर हम करते हैं ना तो हमको इतना पता नहीं लगता है, और मतलब रॉन्ग फॉर्म करते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा वेट है, राइट? हाँ. आपने मुझे यही ये चीज मैंने सीखी आज के वर्कआउट में, मतलब मैं लगाती थी बट वो आई थिंक रॉन्ग था, तो आज आपने लगवाया तो वो मेरे को लगा मैं राइट कर रही हूँ और ठीक वेट है, ऐसा नहीं लगा, बहुत ज्यादा है. एक ये भी होता है कि फॉर्म का जो बेसिक मोटिव होता है ना वो ये होता है कि हम अपने माइंड के साथ राइट मसल कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब आप उसको कनेक्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट, सही से करने लग जाते हो तो आप थोड़ा हैवी भी वेट प्रॉपरली, यस यस. गुड, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो आप इस बारी माइंड में रखना, सच एज एल्बो अपने अपने क्लोज रखनी है थोड़ी, प्लस अपनी जो डंबल है, जब हम इसका लॉजिक भी समझो सो दैट उससे याद रहेगा, जब हम डंबल ना, मैं डंबल के साथ, एक है ये, तो इससे क्या है मुझे रेंज ऑफ मोशन मिल रही है. हाँ. जब मैं ये डंबल इस तरीके से करूंगी तो मेरे बाइसेप्स पे जाना है. हाँ, राइट. बैक पे कम, ये माइंड में रखना है. अब हम 7.5 के साथ ही करेंगे थर्ड से. थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, चलो 7.5. Well, come on, you can do it. 13. 14, come on, 15, one last, perfect, good job, 15, control the weight, don't let weight control you, one more, okay done, so aapki comparatively ye wali arm, I think ye jo muscle hai, right. होता है मेरे साथ always, सबके साथ होता है. ये वाला अच्छे से कर लूंगी बट ये जब आएगा नहीं होता है पूरा. तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि जो साइड वीक है उसमें दो तीन रेप्स ट्राई करो कि एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा ड्रॉप करके. फॉर एग्जांपल इसके साथ नहीं हो रहा तो आपने अपना लाइटर वेट पे किया और उसे क्या कंप्लीट करो. सी, हमें बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे अंदर, अपनी वीकनेसेस पहचान के उस पर वर्क करना. जब तक हम अपनी वीकनेसेस नज़रअंदाज करते रहेंगे तब तक हम उस पर वर्क भी नहीं करेंगे, राइट? और वो ठीक भी नहीं होगा. तो ये हमारा थर्ड सेट था. या अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट विल बी रोइंग. ओके, पहले ये, हाँ, ऑन थ्री. वन मोर, ओके. तो आप पहले थ्री तक मैक्सिमम जा रहे थे, सो देख लो आपका पोटेंशियल जो आपने खुद ही अंटाप रखा है आपके साथ पॉसिबल था, बट आपके ऐसा साथ कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके आपने अंदर है. जिस तरीके से मेरे को मोटिवेट किया ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वर्कआउट में, तो आपके साथ मैंने कर लिया. अब ये मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन बन जानी चाहिए, राइट? राइट, बिल्कुल बन जाएगी, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम देखूँ तो मुझे और खुशी हो कि आपने प्रोग्रेस बहुत अच्छी. चलो अभी अगेन इसी सेम वेट के साथ 12 टारगेट अगेन. इलेवन, ट्वेल्व, ओके डन. कंप्लीट, जस्ट लास्ट एक्सरसाइज, हाइपर एक्सटेंशन. ओके, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है. ये आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. ओके, सो आप जैसे डेडलिफ्ट कर रहे हो या कुछ भी है उसमें लोअर बैक भी इन्वॉल्व होती है, तो
अब जितना उसको स्ट्रेंथन रखोगे आपकी इंजरी के चांसेस उतने कम है। हाँ, इन्होंने मूव कर दिया। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन कहाँ पर? सॉरी, हाँ आ गई, मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ओके, वो और माइंड सारा यहाँ, लोअर बैक, ठीक है? मुझे पता है ये बहुत पेन करती है। हाइपर एक्सटेंशन है। ये थोड़ा पैनिक लगता है। सारा लोअर बैक पे आता है ना उसका, थोड़ा सा लगता है। बट आई कैन डू इट, आई डोंट गिव अप। यस, जब दिल करे ना गिव अप करने का, अपनी खुद की बात ही याद कर लो, मैं कभी गिव अप नहीं करती, और कंप्लीट किया करो आगे से भाई। रखना है भाई, ये माइंड में चलते रहना चाहिए। थोड़ी सी रेस्ट ले लो। ओके, लोअर पे लगता है ना उसका? हाँ, सारा भी। थैंक यू सो मच चार्ज मुझे वर्कआउट करवाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको वर्कआउट करा के। थैंक यू। तो अभी आपने अपने इस सेशन में क्या क्या आपको चेंज लगा, या क्या चीजें आप अपने नेक्स्ट सेशंस में इंप्लीमेंट करने वाले हो? वन, मेरे को फॉर्म जो मैं रॉन्ग करती थी वो मैम ने राइट किया है आज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्प्रूव हुआ है। एंड सेकेंड, वेट भी मेरे को बहुत मतलब कम लगाती थी और ज़्यादा लगता था, बट मैम ने ज़्यादा लगवाया, वो भी फॉर्म के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा भी नहीं लगा बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगा। वेट एंड फॉर्म, ये दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है वर्कआउट में, वो आज मेरी क्लियर होगी और ठीक होगी। ग्रेट, परफेक्ट। नेक्स्ट टाइम से आपका ही शेड्यूल मुझे अप्लाई करना है। बस आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई विल बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ, मेरी आपकी आपके साथ है हमेशा। के साथ शादी का ये। सो मैम के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले। जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं ना लास्ट में, वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।